सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और अभी हो रहा है दोपहर, तो दोपहर के 1:20 हो रहा है। तो मैं आई थी अभी लेने के लिए लंच। तो आज लंच में बना है छोले और भटूरे, तो अभी मैं खाना परस लेती हूँ अपना। ये देखो गाइस, छोले और इधर हैं भटूरे और इसमें है चावल। सो अभी हम लोग अपना खाना लेके चलते हैं रूम में। ये देखो गाइस, ये वही वाली लोकेशन है, सेम मंदिर। और वो वाला बोर्ड भी आ रहा था उधर वीडियो में। सो गाइस, अभी जब मैं रील स्क्रॉल कर रही थी ना, तो मैंने देखा था कि एक इन्फ्लुएंसर की जो वीडियो बनी हुई थी ना, वो इधर वाली मंदिर के पास में बनी थी। और जब अभी मैंने आके चेक करा तो सेम वही मंदिर है। तो मैं वो रील भी आपको अभी शेयर करूँगी। मतलब इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हमारे पास में इधर रहता है, तो कभी मौका मिलेगा तो उनसे मिल भी लेंगे हम लोग। तो मैं बस चेक करने के लिए आई थी इधर साइड में कि वही सेम मंदिर है कि नहीं है, लेकिन ये वही सेम मंदिर निकला गाइस। और मतलब इतना खुशी हो रहा है कि बहुत टाइम से मैं उस इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रही थी, काफ़ी अच्छी बनाते हैं। इतना पता था कि लखनऊ के हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि यहीं हॉस्टल के बस पीछे ही कहीं पे वो वीडियो शूट करते हैं। तो काश यार गाइस मौका मिल जाए उनसे मिलने का। तो अभी दीदी से मैंने पूछा था ना, तो कह रही थी कि वो वाला मंदिर नहीं, उसके ऊपर टीन वगैरह नहीं है। तो अब मैं जाके दीदी को बताऊँगी कि ये वही वाला मंदिर है, मैं अच्छे से कन्फर्म करके देख के आई हूँ। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ थोड़ा सा मॉल वगैरह जाने के लिए, और मेरी फ्रेंड वही तृप्ति मेरा मुंसिपल पर वेट कर रही है। तो अभी हम लोग जाते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं। पता नहीं मैं कैसी अजीब सी तैयार होकर जा रही हूँ, बट रेडी हो गई हूँ मैं किसी तरह से। और अभी जल्दी जाऊँगी और जल्दी आ जाऊँगी, थोड़ा बहुत टी शर्ट वगैरह देख के आती हूँ मैं। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और मॉल में, और मैं अपने लिए टी शर्ट देख रही थी, बट इधर देखो कितना क्यूट सा स्टफ मिला है हम लोग को। ये वाली बॉटल ज़्यादा प्यारी है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या पसंद में आता है यहाँ पे। तो गाइस, अभी हम लोग देखते हैं ये चीज क्या है। हर ये बढ़िया है, तुम आ जाओगी? जाएंगे नहीं, लेकिन इसको ले सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा है गाइस, इसको बंद कर सकते हैं। ये देखो गाइस कितना सारा है। हाँ, अरे वाह, क्या करें इसका। ये वाली किस लिए है? गाइस ये हम लोग ले सकते हैं, भाई अनाउंसमेंट रोक दो थोड़ा। इससे हम लोग अपना जूड़ा सेट कर सकते हैं अच्छे से, एक भी बाल नहीं निकलेगा। मजाक नहीं, ये टिफिन अच्छा है गाइस, हम लोग ये ले लेते हैं, नर्सरी वाले बच्चों का टिफिन। मजाक है, इसमें भी एक ही में हो जाएगी सब्जी। ये देखो गाइस, ये वाली बॉटल मेरे को बड़ी पसंद आ रही है। ये कैसी बॉटल? ये बॉटल है कि पार्टी पॉपर? आइए मैम, सूट देख लीजिए, आइए आइए बैठिए, सूट ले लीजिए। कौन सा सूट चाहिए आपको? गाइस चेयर पे बैठ गई हूँ। टकरा गए। ये देखो गाइस, ये वाला टॉप गेस करो कितने का है? 550 का है गाइस। ठीक है, ये देखो गाइस मेरी ड्रेस कितनी मस्त लग रही है, है तो बढ़िया। इधर देखो, कमेंट में बताना गाइस मैं लेके जाऊं कि नहीं। और देखो स्लीव्स कितना मस्त है, अच्छी लग रही है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले मॉल में, क्योंकि वहां पे हमें कुछ भी नहीं पसंद आया था। तो अब जा रहे हैं हम लोग सिटी लाइट में। सो गाइस, अभी हम लोग ने इस वाले मॉल में से मैंने एक टी शर्ट और एक लोअर लिया है, और बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है गाइस। तो अभी इसकी बिलिंग करवाऊंगी मैं, और देख रही थी अगर कुछ पसंद आ जाए। और ये भी मैंने मेन सेक्शन से लिया है, क्योंकि गर्ल्स वाले में टी शर्ट अच्छी नहीं थी। देखो गाइस, शिनचैन की बॉल, काश ये मुझे मिल जाती। ये देखो गाइस, थॉर का हथौड़ा, हाँ मिसेस थॉर, मिस थॉर।
यार ये एक लेना चाहिए, 200 का ही है। और ये रही शिनचैन वाली बॉल, मिल गई फाइनली मुझको। गाइज एक थार भी ले लेनी चाहिए हमें, इसी से हम लोग कॉलेज चले जाएंगे। क्या कहती हूँ, चले जाएंगे? दो लोग तो आ ही जाएंगे इसमें। बहुत सारे खिलौने हैं। ये देखो गाइज, यार को वो वाला जो थॉर का हथौड़ा था ना, वो ज़्यादा पसंद आ गया है। जो भी शोर करेगा उसी को मारेगी ये। इससे पूछ रही है अभी क्लास में, मैसेज भी आ गया तुम्हारा। क्लास ग्रुप पे हम लोग ने पूछा है कि वो हथौड़ा लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं तो भूल ही गई थी कि मैं सियार के साथ में आई हूँ शॉपिंग करने। तो अभी हम लोग चलते हैं और कुछ देखते हैं बच्चों के खिलौने। ये देखो गाइज, ये हमारा न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए हो जाएगा। अरे वो गिर रही है डक। ये न्यूट्रिशन के लिए था हमारा। ये हमारा डॉक्टर सेट है, भले ही नर्स बन रहे हैं लेकिन डॉक्टर डॉक्टर हाँ, सब्जियों को भी स्टडी करेंगे, हर चीज़ में न्यूट्रिशन होता है। हाय गाइस, गाइस कितने सारे कप। इधर है कुछ किचन का सामान, पर्स। क्या देखने जा रही हो? अच्छा ये वाला पर्स चाहिए तुम्हें, अच्छा है। एक मिनट, ये जानवर यहाँ कहाँ से आ गए? ये देखो गाइस, जानवरों को मार के बनाया गया पर्स। ये देखो गुच्ची, ये रख गुच्ची वाला नकली गुच्ची। ये कैसे पर्स है, ये अच्छा लग रहा है। और ये इस पर्स में क्या ही आ पाता होगा, सिर्फ इयररिंग रखने के लिए गाइस इतना बड़ा पर्स। अरे तो ये 109 का है, सही है, अच्छा लग रहा है। हम लोग ले लेते हैं कॉलेज के लिए, ऐसे लगा के इसको आराम से लेट जाया करेंगे, लेकिन इतनी लंबी तो है ही नहीं चेयर के पीछे की बैक। इन बच्चों के सामान का हम लोग क्या करें। अरे इतना छोटा पर्स, 100 रुपये का है भाई, 50 का होता तो बात भी नहीं। 100 का है गाइस, किसी को चाहिए, मेरे किसी सब्सक्राइबर को चाहिए, मैं दिला दूंगी। बहुत छोटे छोटे कपड़े हैं, इतने छोटे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हॉकी भी ले रहे हैं, हॉकी से मारेंगे किसी को भी। बढ़िया सामान है। ये देखो अपने लिए ड्रेस देख रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी लगोगी, ले लो। मैं कौन सी ले लूँ, मैं ये वाली ले लूँ? यार छोटे बच्चों के लिए ड्रेस कितनी अच्छी अच्छी है, हमारे लिए नहीं रहती ऐसी। देखो गाइस कितनी बड़ी ईयरबड है। कान साफ करने वाली ईयरबड। हाँ वाइपर है, वो है शायद विंडो क्लीन करने वाला। वैसे भी हमें कॉलेज में कोई काम तो रहता नहीं है, यही सब लेके चलते हैं। ये देखो फायर एक्सटिंग्विशर क्लिप, यहाँ सब कुछ मिलता है गाइस। सो गाइस अभी हम लोग ने ऊपर से शॉपिंग कर ली है, अब हम लोग चलते हैं नीचे। ये देखो इतनी देर से एक इंसान खड़ा है, तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और जो सामान लिया है ना उसकी बिलिंग करवाते हैं। अच्छी लग रही हो, चश्मे अच्छे हैं यहाँ पे। चलो सो गाइज अभी हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, ये देखिए हमारा बैग, और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। सोच रहे हैं क्या खाएं। ये देखो गाइस जोमैटो वाले भैया पीछे बैठे हुए थे जो हम लोग ने खाने की बात करी। सो गाइस इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं फिर से वही वाले भैया जी के यहाँ पे। टिक्की और नहीं, टिक्की तो नहीं खा रहे हम लोग, बतासे ही खा रहे हैं। मेरा हमेशा वही वाला मेन्यू, मैं मीठे बतासे खाऊंगी और ये खाई। ये देखो गाइस, ये रहे मेरे
रहे मेरे मीठे वाले बताशे और ये खाने जा रही है इसके पानी वाले बताशे। सो गाइज अभी हम लोगों ने खाना पीना कर लिया अपना और तृप्ति अपने घर चली गई है, मैं अब जा रही हूँ हॉस्टल। तो आज वैसे भी सिर्फ दाल चावल ही बना होगा हॉस्टल में, तो चलते हैं अब। सो अभी मैं हॉस्टल पहुंच चुकी हूँ और थोड़ी देर बस मैं आराम करूँगी और उसके बाद हो जाएगा डिनर का टाइम। तो वैसे भी डिनर में तो दाल चावल ही बना है आज और बाहर से बस मैं बताशे खा के आई हूँ, तो ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही खाना खा लूँगी और फिर कल मुझे जाना है कॉलेज। और एक हाँ, कल एक टेस्ट है हमारा, तो अभी मैं उसकी तैयारी करती हूँ और फिर मिलते हैं आपको डिनर के टाइम पर।